हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 75 पेंशन धारक आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जितने भी ईपीएस 75 पेंशन धारक हैं, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ईपीएस 75 पेंशन के लिए, क्योंकि आज के डेट में सीबीटी की बैठक होने वाली है और सीबीटी की बैठक में कौन कौन से मुद्दों पे बातें हो सकती हैं, कौन कौन से मुद्दों पे चर्चा किया जा सकता है और किस प्रकार से ईपीएस 75 पेंशन को लाभ मिलेगा, उसी के ऊपर आज के पूरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी की बैठक में कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं जो ईपीएस 75 पेंशन को लाभ पहुंचा सकते हैं या ईपीएस 75 पेंशन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस सीबीटी की बैठक में कौन कौन से बातों पर बात हो सकती है। पहले नंबर पे उच्च पेंशन पे बात की जाएगी, क्योंकि आज का जो विषय है ईपीएस 75 पेंशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सबसे ज्यादा उच्च पेंशन के बारे में चिंतित हैं और उच्च पेंशन न मिलने के पीछे वो कौन कौन से कारण हैं और किस प्रकार से एक जो ईपीएस 75 पेंशन धारक है उन्हें उच्च पेंशन की राशि मुहैया हो सकती है, उन बातों को बहुत विशेष रूप से अपने ध्यान में रख रहे हैं। दूसरे नंबर पे पेंशन बजट को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में माननीय ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएस 75 पेंशन की पेंशन वृद्धि नहीं हो सकती है, कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है, क्योंकि उनके पास में बजट नहीं था। बजट की बात काफी लंबे समय से माननीय वित्त मंत्रालय की भी तरफ से ईपीएस 75 पेंशनर्स को हायर पेंशन की राशि को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक बजट जो तो मुहैया कराने की बात की जा रही थी, लेकिन ईपीएफओ को बजट नहीं मिल सका है और ईपीएफओ ने बताया है कि भाई जब तक हमको बजट नहीं मिलेगा तब तक हम ईपीएस 75 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रख के ईपीएस 75 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर भी बात की जाएगी कि बजट से संबंधित मामला फंस रहा है। और साथ ही साथ में इस बात को भी विशेष रूप से चर्चा में ला सकते हैं कि जो पेंशन का कैलकुलेशन है, ईपीएस 75 पेंशन की पेंशन वृद्धि से संबंधित जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन पे कौन कौन से बातें सामने आ सकती हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है। चौथा नंबर में समान पेंशन की भी बात करेंगे, जो चाहे हायर पेंशन की बात हो चाहे मिनिमम पेंशन की बात हो, हायर जो तो समान पेंशन की बात भी की जा सकती है। और पांचवें नंबर पर जो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है कि और आगे क्या हो सकता है, तो उच्च कमेटी से संबंधित बातें हो सकती हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं के मतों को ध्यान में रखेंगे, संस्थाओं के द्वारा ईपीएस 75 पेंशन के कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं और समय समय पे कौन कौन सी बातें कही जाती रही हैं और उनके कमेटी से संबंधित कौन कौन सी बातें जो तो ईपीएस 75 पेंशन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कही गई है, कितनी पेंशन की राशि में वृद्धि करने के बाद में कितनी पेंशन की राशि हो सकती है। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने बनाए हैं जो खुद से मैं बनाया हूं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, बता सकूं। अहम रूप से अगर मान लीजिए इन 4-5 जो टॉपिक है, इन 4-5 टॉपिकों के ऊपर बात हो सकती है। हालांकि वैसे भी सीबीटी की जब बैठक होती है, सीबीटी की बैठक में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करना होता है, तो इतना समय अगर वो ईपीएस 75 पेंशन धारकों को दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिलहाल इतना समय वो नहीं दे पाते हैं, फिर भी इनमें से तीन के जैसे उच्च पेंशन, पेंशन बजट और पेंशन कैलकुलेशन पे भी अगर बात हो जाती है तो भी ईपीएस 75 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर काफी ज्यादा उनको जो तो है वो ईपीएस 75 पेंशन को भरोसा हो जाएगा, क्योंकि पेंशन में जल्दी वृद्धि की जाएगी। फिलहाल ये 5 टॉपिक है, अगर 5 टॉपिकों के ऊपर बात होती है तो ईपीएस 75 पेंशन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होता है तो 3 टॉपिकों के ऊपर तो बात होनी ही चाहिए, तभी ईपीएस 75 पेंशन की बात बनेगी। पहला नंबर है उच्च पेंशन पे, दूसरा नंबर पेंशन बजट पे और तीसरा नंबर पेंशन कैलकुलेशन पे। अगर इस सब पे बात होती है तो ईपीएस 75 पेंशन से काफी अच्छा खबर निकल के सामने आएगी। फिलहाल दोस्तों, ये पूरी की पूरी जानकारी देखने के लिए आप लोगों का विशेष रूप से पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे दिल से आप लोगों का आभार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में इसी प्रकार की ईपीएस 75 पेंशन के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।